रोटियों का विस्तृत रूपांतर भारतीय व्यंजनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज का डिश कुछ ऐसा है जिसको घर में बनाने के बारे में हम सोच भी नहीं पाते, जिसका मुख्य कारण है तंदूर। हमारा एक माइंडसेट है कि तंदूर के बिना रोटी नान नहीं बनता, अवन के बिना केक पिज्ज़ा नहीं बनता। अरे, कुकिंग एक कला है, आप दिल और दिमाग लगा के बनाओगे तो सब कुछ हासिल होता है। और वैसे भी हबास किचन तो आपके साथ ही है, तो चिंता किस बात की, हम आपके काम को आसान करेंगे। तो चलिए बनाते हैं तंदूरी रोटी, और वो भी तवे पे। नमस्कार दोस्तों, हबास किचन हिंदी में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले एक कटोरी में 2.5 कप गेहूं का आटा लेंगे और इसमें डालेंगे 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, 1/2 चम्मच नमक और इन सारे सूखे चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 कप दही और अच्छे से आटे में मिला देंगे। दही डालने से रोटी नरम बनता है। एक बार दही अच्छे से आटे में मिल जाए तब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और आटा गूंदना शुरू करेंगे। ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और आटे को अच्छे से दबा के गूंदेंगे। जब ये लोई का आकार पकड़ेगा तब इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे और अच्छे से गूंद लेंगे ताकि आटा हाथों में ना चिपके और इसका एक नरम आटा बने। इसे अच्छे से हाथों से इस तरह दबाते हुए गूंदना है ताकि इसमें अच्छा सा लचीलापन आ जाए और आटे को इस तरह खींच के टक करेंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। हमारा नरम आटा तैयार है। इसके ऊपर तेल डाल के लोई को चिकना करेंगे ताकि ऊपर से ये सूखा ना पड़ जाए और इसे कवर करके 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि लोई फूल जाए। 1 घंटे के बाद आप देख सकते हैं लोई फूलकर नरम आटा बन चुका है। एक बार अच्छे से गूंद लेंगे ताकि अंदर का हवा जो है वो निकल जाए। और इसे टक करेंगे ताकि ग्लूटेन यानी आटे का लस इकट्ठा होके रोटी अच्छे से बने। अब इसका एक छोटा सा पेड़े काट लेंगे और इसे भी टक करेंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सूखा आटा लगाएंगे और हल्के हाथों से थोड़ा दबाएंगे और इसे बेलेंगे। तंदूरी रोटी के लिए हमेशा लोहे की तवा ही इस्तेमाल करें, नॉनस्टिक तवा में ये नहीं चिपकेगा। इसे हल्का सा मोटा ही बेलेंगे, जैसे पराठे के लिए बेलते हैं उतना ही, कुछ इस तरह। बचा हुआ आटे को साफ कर लेंगे। अब इसके ऊपर करीबन 3 चम्मच पानी डाल के रोटी के ऊपर फैलाएंगे। तवा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब रोटी की गीली तरफ को नीचे की तरफ डाल के हल्के से दबा के चिपकाएंगे और इसे सेकेंगे। 1 मिनट के लिए इसे सेक लेंगे। आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से बुलबुला आ रहा है। तब हम तवे को पलट के ऊपर के हिस्से को भी सेक लेंगे। चारों तरफ घुमा घुमा के सेकेंगे। जब इसमें अच्छा सा सुनहरी चिट्टी आ जाए तब हम तवे को सीधा करेंगे और रोटी को कड़छी की सहायता से निकाल लेंगे। देखिए कितने अच्छे से दोनों तरफ भी पक चुका है। अब रोटी के ऊपर खूब सारा मक्खन लगाएंगे। और रोटी को इस तरह बीच में से काट लेंगे ताकि एक रेस्टोरेंट तंदूरी रोटी लुक आ जाए। ये रहा हमारा तंदूरी रोटी बिल्कुल तैयार। है ना कितना आसान। खाने में हमेशा पूरी चपाती तो होती है, एक बार इसे भी ट्राई कीजिए, फिर सब लोग बार बार मांग के खाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और रेसिपी को ट्राई करके हमें ज़रूर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।